हरपुर बुधर थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को ग्राम सभा रघुनाथपुर में महिला ग्राम प्रधान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें थाने में मुकदमा पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला, जो उसी गाँव का रहने वाला है, वह एक सातिर अपराधी है। उसने संजय यादव नाम के अपराधी को गिरोह में शामिल करके अपराध करता था, जिसको देखते हुए राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ला निवासी ग्राम रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधड़ जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय यादव उर्फ संजू पुत्र राजेंद्र यादव निवासी ग्राम दरघाट अनंतपुर थाना हरपुर बुधड़ जनपद गोरखपुर, तीसरा राजू यादव पुत्र अवध नारायण यादव निवासी बन्नी बारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा राजेश उर्फ प्रद्युमन चौहान पुत्र गुल्लू चौहान निवासी भरपुरवा भीटी रावत थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, पांचवा राहुल शुक्ला पुत्र राजेश उर्फ पप्पू शुक्ला निवासी ग्राम रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधड़ जनपद गोरखपुर के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 11 जुलाई 2022 को थाना हरपुर बुधड़ के ग्राम सभा रघुनाथपुर की महिला ग्राम प्रधान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें तत्काल हरपुर बुधड़ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और रातों रात कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला और पप्पू शुक्ला, जो उसी गांव का रहने वाला है, वो था। घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया और चूंकि यह एक सातिर अपराधी है और इसने संजय यादव नाम का एक अपराधी, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे उसके खिलाफ कायम है, उसको अपने साथ मिला करके एक अच्छा गिरोह बना लिया है। इसी कारण इसे तत्काल सारी विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के लिए एसएसपी एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से अनुमोदन प्राप्त किया गया और थाना हरपुर बुधड़ पर राजेश शुक्ला, इसके मुख्य सहयोगी संजय यादव और 3 अन्य, कुल 5 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में भी इन्हें रिमांड बनवा करके न्यायिक अभिरक्षा में लंबे समय तक रखा जाएगा और विवेचना करके आरोप पत्र में माननीय न्यायालय प्रेषित कर इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्ति कुर्क करने का भी प्रयास किया जाएगा और संपत्ति कुर्क कराई जाएगी।